एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, तो देखिए आज शिवरात्रि है और मैं अभी जा रही हूँ वडोदरा का जो सबसे पुराना मंदिर है कामनाथ महादेव, वहीं पे दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं और फिर शिव जी की सवारी जो है उसके भी दर्शन करवाऊँगी। बीली पत्र भी है ना? हाँ। तो देखिए ये है कामनाथ महादेव मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है वडोदरा का। और देखिए आज तो बहुत भीड़ है क्योंकि आज तो वडोदरा के जितने भी बरोड़ियन हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। तो गाइस, तो जो ये कामनाथ महादेव का मंदिर है वो 400 साल पुराना है और यहाँ पे आज बहुत सारे शिव भक्त आएंगे और साथ में जो वडोदरा में नवनाथ महादेव है उसके भी दर्शन करेंगे। उसमें से ही ये एक मंदिर है, नवनाथ महादेव के मंदिर में से ही ये कामनाथ महादेव का मंदिर है। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, साथ में श्रावण महीना जब आता है तभी भी यहाँ पे बहुत सारे शिव भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। सो गाइस, तो मैं दोपहर के 3 बजे गई थी ये सोच के कि थोड़ी भीड़ शायद मुझे कम मिलेगी, लेकिन तो भी बहुत सारा रश था। 15-20 मिनट हम लाइन में खड़े रहे, फिर हमें शिव जी के दर्शन हुए। और बहुत सारे व्यूवर्स क्या है कि बाहर के हैं, तो मैंने सोचा था कि दोपहर में जाऊंगी तो शायद अच्छे से थोड़ा व्लॉग ले पाऊंगी और अच्छे से आपको दर्शन करवा पाऊंगी, लेकिन थोड़ा भीड़ था तो थोड़ी बहुत क्लिपिंग मैं ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था इसीलिए। तो देखिए इस टाइप का है कामनाथ महादेव का मंदिर हमारा। सो गाइस, तो दर्शन हमारे हो गए हैं और यहाँ पे घाट है तो विश्वामित्री नदी भी यहाँ से जाती है, वो भी मैं आपको बता दी हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे है अम्बा माता का मंदिर है और देखिए अभी तो यहाँ पे घाट अभी हो गया है, ऐसा व्यू आता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे महादेव जी का एक मेन मंदिर तो मिलेगा, साथ में 21 छोटे छोटे महादेव जी के मंदिर मिलेंगे। तो चलिए अभी वहाँ पे जाते हैं, प्रसादी लेते हैं। जहाँ पे मैंने आपको दर्शन करवाया वो मेन मंदिर था और उसके आजू बाजू में ही 21 शंकर भगवान के छोटे छोटे मंदिर हैं। और देखिए यहाँ पे महाप्रसादी हैं, आज शिवरात्रि है तो फराड़ी प्रसादी सभी जो शिव भक्त आएंगे वो सभी यहाँ पे ले सकते हैं, साथ में जो था ठंडई थी साथ में। और देखिए ये भी एक दूसरा महादेव जी का मंदिर है। सो गाइस, तो अभी 6:30 बजे हैं और अभी हम जा रहे हैं शूरसागर लेक क्योंकि वहाँ पे अभी 7 बजे होने वाली है महाआरती, शिव जी की महाआरती होने वाली है। और जो अभी उनकी जो प्रतिमा थी वो सुवर्ण की हो गई है। और तो देखिए आप क्राउड देखिए, बहुत सारा क्राउड था और हमने तो हमारी जो व्हीकल था वो पार्क किया था टावर और वहाँ से फिर हम चलते चलते आने वाले थे सूरसागर क्योंकि सभी जो रास्ते थे वो भी बंद कर दिए गए थे इसीलिए। तो देखिए यहाँ का अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ सूरसागर, आप देख सकते हो ये है व्यू यहाँ का। लग रहा है
सो गाइस, तो फाइनली देखिए शंकर भगवान पार्वती माँ को लेके आ रहे हैं, शिव जी की सवारी आ रही है। बरोड़ियन जो भी शिव भक्त हैं पूरा साल राह देखते हैं ये व्यू देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो फाइनली देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। सो गाइस, तो देखिए मैंने दर्शन करवा दिए आपको और अभी हम जा रहे हैं वापस। लेकिन वापस जाते टाइम भी आधा पौना घंटा हम चले, क्योंकि सभी जगह पे व्हीकल अलाउड नहीं था, तो आपको व्हीकल बहुत दूर पार्क करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा सोच के आते हो कि हम दर्शन करके एक दो घंटे में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, 3-4 घंटे आपके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा रश होता है तो व्हीकल हमको दूरी पार्क करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, देखिए सभी जगह डीजे भी था, अलग अलग जगह पे डीजे था, तो इस टाइप का माहौल था पूरा सूरसागर के पास। और अभी तो सूरसागर की रौनक बहुत ही अच्छी हो गई है, क्योंकि अभी जो शिव जी की प्रतिमा है वो सुवर्ण की हो गई है और अभी सभी भक्तजनों के लिए ओपन हो गई, तो आप कभी भी आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो बस ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।